स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। तो इतिहास गवाह है कि हमारा देश भारत कभी भी दुश्मनों से महफूज नहीं रहा है। समय समय पर भारत ने कई दिशाओं से आने वाले दुश्मनों के हमलों का सामना किया है, फिर चाहे वो अलेक्जेंडर हो, तुर्क हो, मुगल हो या फिर यूरोपियन शक्तियां। हालांकि आजादी प्राप्त करने के बाद भारत एक सोवरेन कंट्री बन गया, जिसके चलते इस तरह के इन्वेजन्स और अटैक्स बंद हो गए। लेकिन इसके बावजूद भारत के दुश्मनों की संख्या कम नहीं हुई, क्योंकि हम पाकिस्तान और चाइना जैसे हॉस्टाइल कंट्रीज के इमीडिएट नेबर थे। पिछले 75 सालों में दोनों देशों के साथ हमारे युद्ध हुए, लेकिन बदलते समय के साथ युद्ध लड़ने का तरीका भी बदल गया है। अब दुश्मन सामने से हमला करने के बजाय देश को अंदर से दीमक की तरह खोखला करने की कोशिश कर रहा है, और इसी तरह के दुश्मनों से भारत की रक्षा करने का दायित्व भारत की सीक्रेट एजेंसीज के पास है, जिनमें सबसे प्रमुख है रॉ, यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रॉ भारत की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी है, जो अपनी स्ट्रैटेजी, ऑपरेशनल एक्सपर्टीज और नेशनल सिक्योरिटी में योगदान के लिए जानी जाती हैं। इस एजेंसी को 1968 में एस्टैब्लिश किया गया था, और ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंडर फंक्शन करते हुए ग्लोबल स्टेज पर भारत के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। रॉ का काम होता है इंटेलिजेंस गैदर करना, पोटेंशियल थ्रेट्स को एसेस करना और इसके लिए स्ट्रैटेजीज बनाना, और ये सारा काम अटमोस्ट सीक्रेसी और डिस्क्रिशन में किया जाता है। इसमें लो पब्लिक प्रोफाइल को मेंटेन किया जाता है, क्योंकि एजेंसी द्वारा किए जाने वाले ऑपरेशन काफी सेंसिटिव होते हैं और एक छोटी सी गलती का खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ सकता है। लेकिन रॉ के विपरीत दुनिया की एक ऐसी सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी है जो इस तरह के सीक्रेट ऑपरेशंस में कम बिलीव करती है, बल्कि ये इंटेलिजेंस एजेंसी अपने फियर्स ऑपरेशन के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है, और वो है इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद। दोस्तों, इसराइली पॉपुलेशन का सालों तक प्रोसिक्यूशन होता रहा, यहाँ तक कि 1948 में एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाने के बाद भी इसराइल के ऊपर खतरे के बादल मंडराते रहे। समय समय पर अलग अलग तरीकों से ज्यूइश लोगों पर हमले जारी रहे, लेकिन इसराइल की सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद ने ईंट का जवाब पत्थर से देने की तैयारी कर ली थी। अपनी इसी पॉलिसी के चलते मोसाद ने अपने दुश्मनों के खिलाफ बेहद डेडली ऑपरेशंस लॉन्च किए, चाहे वो 1972 में फिलिस्तीन के टेररिस्ट ग्रुप को खत्म करना हो या फिर 1981 में इराक के न्यूक्लियर रिएक्टर पर अटैक करना। मोसाद ने डंके की चोट पर इन सभी सीक्रेट ऑपरेशंस को अंजाम दिया था, और अब ऐसा लगता है कि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ भी मोसाद के पदचिन्हों पर चल पड़ी है। पिछले कुछ समय में रॉ ने कुछ सीक्रेट ऑपरेशंस लॉन्च किए, और इन ऑपरेशंस की मॉडस ऑपरेंडी, यानी इन्हें एग्जीक्यूट करने का तरीका मोसाद से काफी मिलता जुलता है। उदाहरण के लिए मई 2023 में खालिस्तान कमांडो फोर्स के चीफ परमजीत सिंह पंजवर को अननोन लोगों ने लाहौर में गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। इसी तरह जून 2023 में सिख फॉर जस्टिस ग्रुप के एक इम्पोर्टेंट लीडर हरदीप सिंह निज्जर को कनाडा के एक एरिया में गोली मार दी गई। चूंकि रॉ द्वारा किए गए सभी ऑपरेशन सीक्रेट थे, इसलिए रॉ या फिर भारत सरकार ने इन किलिंग्स पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है, लेकिन जिन आउटफिट के लीडर्स मारे गए हैं, लगभग उन सब ने इसके लिए रॉ को दोषी ठहराया है। आज के डिस्कशन में हम रॉ के इस बदलते स्वरूप पर एक डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं, जहां हम जानेंगे कि रॉ और मोसाद के बीच रिलेशंस का इतिहास कैसा रहा है और मोसाद कैसे सीक्रेट ऑपरेशंस को अंजाम देता है। साथ ही हम समझेंगे कि कैसे मोसाद की मॉडस ऑपरेंडी को रॉ भी अब फॉलो कर रहा है। दोस्तों, इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और जीएस मेंस के इंटरनल सिक्योरिटी सेक्शन के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। ईयर 1948 में इसराइल ने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की थी। उस समय इंडिया उन कंट्रीज में से आता था जिन्होंने सबसे पहले इसराइल को एक कंट्री की तरह रिकॉग्नाइज किया, लेकिन इसके बावजूद दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस तत्काल प्रभाव से एस्टैब्लिश नहीं हो पाए, और इसमें 44 साल का समय लग गया। ऐसा इसलिए क्योंकि इसराइल का अरब कंट्रीज के साथ फिलिस्तीन को लेकर विवाद चल रहा था, और उस समय की भारतीय सरकार का मानना था कि फिलिस्तीन के ऊपर अरब्स का अधिकार होना चाहिए। साथ ही इंडिया और अरब कंट्रीज के रिलेशंस पर कोई असर न पड़े, इसलिए भी भारत ने इसराइल का सपोर्ट नहीं किया। यहाँ तक कि इंडिया का सपोर्ट गैदर करने के लिए साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन ने इंडियन पीएम जवाहरलाल नेहरू से रिक्वेस्ट करते हुए 4 पेज का एक लेटर भी लिखा था, लेकिन उन्होंने इस रिक्वेस्ट को सिरे से नकार दिया। हालांकि कई सारी एसोसिएशंस जैसे हिंदू महासभा और आरएसएस खुलकर इसराइल का सपोर्ट कर रहे थे। इन सब के बीच भारत ने 1950 में
इसराइल को रिकॉग्नाइज तो कर लिया, लेकिन अभी भी दोनों देशों के बीच रिलेशंस इनफॉर्मल ही रहे। 1968 में रॉ के फॉर्मेशन के बाद तब की इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने ये रियलाइज किया कि इंडिया और इसराइल के बीच इनफॉर्मल रिलेशंस को इंटेलिजेंस एजेंसीज के बीच के रिलेशन से कॉम्पनसेट किया जा सकता है। इसलिए इंदिरा गांधी के ऑर्डर्स पर रॉ के फर्स्ट चीफ रामेश्वर नाथ काओ ने रॉ और मुसाद के बीच रिलेशंस को कल्टीवेट करना शुरू किया। 1968 में ही रॉ चीफ काओ और मुसाद डायरेक्टर जनरल मीर अमित की मीटिंग हुई और इंटेलिजेंस शेयरिंग के साथ साथ ज्वाइंट ऑपरेशंस में कोऑपरेशन को लेकर भी एग्रीमेंट हुआ। इसके बाद पैलेस्टीनियन टेररिस्ट को ट्रैक करना और मारना, वेपन्स और टेक्नोलॉजी का प्रोक्योरमेंट और इंटेलिजेंस शेयरिंग जैसे कोलैबोरेशंस दोनों एजेंसीज के बीच हुए। उदाहरण के तौर पर 1971 के इंडिया पाकिस्तान वॉर में इसराइल ने इंडिया का सपोर्ट किया था। कई रिपोर्ट्स ऐसा बताती हैं कि इसराइल ने सीक्रेटली इंडिया को वेपन्स भी सप्लाई किए थे। इसी तरह 1972 के म्यूनिक ओलंपिक्स में पैलेस्टीनियन टेररिस्ट ने 11 इजरायली एथलीट्स को मार दिया था। उसके बाद इसराइल ने उन्हें लेबनान में ट्रैक करके मार गिराया था। कहा जाता है कि इस ऑपरेशन में रॉ ने मुसाद को लॉजिस्टिकल सपोर्ट दिया था। इंडिया और इसराइल के बीच फॉर्मल रिलेशंस का दौर 1992 में खत्म हो गया और दोनों कंट्रीज के बीच फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश हुए। इसके बाद से ही दोनों कंट्रीज और साथ ही साथ इंटेलिजेंस एजेंसीज के बीच रिलेशंस परवान चढ़ते रहे हैं, लेकिन रॉ और मुसाद के बीच रिलेशंस हमेशा से क्रिटिसिज्म का शिकार रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंटेलिजेंस के लिए भारत इसराइल के ऊपर ओवर डिपेंडेंट होता जा रहा है, जो लॉन्गर रन में इंडिया के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। वहीं दूसरे पक्ष का मानना है कि रॉ और मुसाद के बीच का ये रिलेशन काफी ज्यादा सीक्रेटिव है और ये बिल्कुल क्लियर नहीं है कि इससे इंडिया को क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं। इस क्रिटिसिज्म के बावजूद रॉ और मुसाद के बीच रिलेशनशिप आने वाले कई सालों तक कंटिन्यू रहेंगे, क्योंकि दोनों एजेंसीज आतंकवाद से लड़ने में और रीजनल स्टेबिलिटी के प्रमोशन जैसी कई फील्ड्स में कॉमन इंटरेस्ट शेयर करती हैं। दोस्तों, मोसाद की मॉडस ऑपरेंडी एकदम अलग है और इसी वजह से मोसाद इतनी डेडली एजेंसी है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर मोसाद ऑपरेट कैसे करती है और वो इतनी खतरनाक क्यों है। इस सवाल का जवाब डिकोड करने के लिए चलिए समझते हैं मोसाद के वर्किंग स्टाइल को, जिसमें मोसाद कुछ चीजों पर स्पेशल एम्फेसिस करता है। सबसे पहला है इंटेलिजेंस गैदरिंग, जिसमें एजेंसी बेहद एक्सपर्ट मानी जाती है। मोसाद द्वारा ह्यूमिंट यानी ह्यूमन इंटेलिजेंस, सिगेंट यानी सिग्नल्स इंटेलिजेंस और OSINT यानी ओपन सोर्स इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके इंफॉर्मेशन का कलेक्शन किया जाता है। मोसाद कोवर्ट यानी सीक्रेट ऑपरेशंस को कंडक्ट करने के लिए काफी रिनोन्ड है। इजरायली इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए टारगेटेड असैसिनेशंस और सैबोटाज मिशंस जैसे कई कोवर्ट ऑपरेशंस को मोसाद अंजाम दे चुका है। मोसाद टेक्नोलॉजिकली काफी एडवांस है और अपने ऑपरेशंस में इनोवेशंस के लिए भी अच्छी रेपुटेशन रखता है। ये एजेंसी अक्सर अपने इंटेलिजेंस ऑपरेशंस को सपोर्ट और उनकी कैपेबिलिटी को एनहांस करने के लिए कटिंग एज टेक्नोलॉजी को डेवलप और यूटिलाइज करती है। मोसाद की ग्लोबल रीच भी जबरदस्त है और इस एजेंसी के पास पूरी दुनिया में एजेंट्स और एसेट्स का एक बहुत वास्ट नेटवर्क है। इस ग्लोबल रीच के चलते मोसाद डिफरेंट रीजन्स में थ्रेट और पोटेंशियल टारगेट्स को मॉनिटर कर पाती है, जो उसे ऑपरेशंस के लिए एक अपर हैंड देता है। इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी अपनी अप्रोच में एग्रेसिव होने के साथ साथ काफी सीक्रेसी से अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करती है। इसका फायदा ये होता है कि अगर इजरायली एजेंसी का कोई भी एक्शन पब्लिक या कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाए तो इजरायली गवर्नमेंट के पास इस तरह के ऑपरेशन से खुद को दूर करने का ऑप्शन हमेशा खुला होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, मोसाद का सबसे स्पेशल फीचर है दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन। इन सभी अप्रोचेस का इस्तेमाल करके मोसाद ने कुछ बेहद खतरनाक और रेनोन्ड मिशंस को अंजाम दिया है। उदाहरण के लिए एडोल्फ ईचमैन नाम का एक नाजी वॉर क्रिमिनल हुआ करता था, जो होलोकास्ट के समय मिलियंस ऑफ ज्यूज की मौत के लिए रिस्पॉन्सिबल था। 1960 में मोसाद के एजेंट्स एडोल्फ ईचमैन को किडनैप करके इजराइल ले आए, जहां 1962 में उसे एग्जीक्यूट कर दिया गया। 1962 में मोसाद ने ऑपरेशन डेमोकल्स लॉन्च किया, जिसमें जर्मन साइंटिस्ट और टेक्नीशियंस को टारगेट किया गया था। ये सभी साइंटिस्ट फैक्ट्री 333 नाम की एक मिलिट्री साइट पर इजिप्ट के लिए रॉकेट्स बना रहे थे। पैलेस्टीनियन टेररिस्ट ने इसराइल के साथ चल रहे विवाद के चलते 1972 के म्यूनिक ओलंपिक्स में पार्ट लेने वाले 11 इजरायली एथलीट्स को मौत के घाट उतार दिया था। 1972 में इन टेररिस्ट के अगेंस्ट मोसाद ने ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड लॉन्च किया और एक एक करके 17 टेररिस्ट को मार गिराया। 1981 में मोसाद के इंटेलिजेंस पर इसराइली एयरफोर्स ने इराक के अनफिनिश्ड न्यूक्लियर रिएक्टर को
ऑपरेशन ओपेरा गैंडर एयर स्ट्राइक करके मिट्टी में मिला दिया। लेकिन सभी ऑपरेशंस में से रॉ के साथ मिलकर मोसाद ने सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेशन किया ईयर 1971 में। दरअसल कंबाइंड इंटेलिजेंस से ये पता लगाया गया था कि पाकिस्तान, चाइना और नॉर्थ कोरिया के बीच मिलिट्री रिलेशंस एस्टैब्लिश हो रही हैं। ये बात तब और क्लियर हो गई जब पाकिस्तानी पीएम जुल्फिकार अली भुट्टो नॉर्थ कोरिया की विजिट पर गए और दोनों के बीच आर्म्स डील भी साइन हुई। ये डील 1971 वॉर से सिर्फ 10 हफ्ते पहले ही साइन हुई थी और मोसाद के इंटेलिजेंस ने इंडिया को इस बारे में पहले ही आगाह कर दिया था, जिसके चलते इंडिया ने इस वॉर में बड़ी जीत हासिल की और पाकिस्तानी आर्मी से इतिहास का सबसे बड़ा सरेंडर करवाया। दोस्तों, मोसाद की तरह ही रॉ भी पिछले कई सालों में अनगिनत सीक्रेट ऑपरेशंस में इन्वॉल्व रही है। हालांकि सभी सीक्रेट ऑपरेशंस के बारे में पब्लिक में इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद कुछ ऑपरेशंस ऐसे हैं जो डीक्लासिफाई हो गए हैं। 1974 में इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया और इस टेस्ट का नाम था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। रॉ को जिम्मेदारी दी गई थी कि इस ऑपरेशन को सीक्रेटली पूरा किया जाए और ये काम रॉ ने बखूबी पूरा किया। इसके चलते 18 मई 1974 को इंडिया अपना पहला सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट कर पाया, जो हमारे न्यूक्लियर पावर्ड नेशन बनने की ओर पहला कदम था। mid-1980s का दौर भारत के लिए एक डार्क पीरियड माना जाता है, क्योंकि इस समय खालिस्तानी मिलिटेंसी अपनी पीक पर थी। रॉ ने दो काउंटर इंटेलिजेंस टीम्स बनाई, CITX और CITJ। CITX ने पाकिस्तान को टारगेट किया और CITJ ने खालिस्तानी ग्रुप्स को। कुछ ही समय में रॉ ने खालिस्तानी मिलिटेंट्स को पंजाब से बाहर खदेड़ दिया। खान रिसर्च लेबोरेटरी, जो पाकिस्तान की मेजर न्यूक्लियर वेपन लेबोरेटरी थी, उस पर भी रॉ ने आघात किया था, जो पाकिस्तान को एक न्यूक्लियर पावर मिलिट्री बनाना चाहती थी। कहूटा में चल रही इस फैसिलिटी के बारे में रॉ के इंटेलिजेंस ने पता लगा लिया था, जिसके बाद इंडियन पीएम मोरारजी देसाई ने खुद पाकिस्तानी प्रेसिडेंट जियाउल हक को कॉल करके इस एक्टिविटी को बंद करने की हिदायत दी थी। लेकिन मोरारजी देसाई के इस कॉल की वजह से पाकिस्तान में रहने वाले रॉ के सभी ऑफिसर्स को ट्रैक करके मार दिया गया था। 1988 में पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल ईलम के मेंबर्स ने मालदीव्स में हमला कर दिया। मालदीव्स प्रेसिडेंट की रिक्वेस्ट पर रॉ और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने ऑपरेशन कैक्टस कैरी आउट किया और मालदीव्स में गवर्नमेंट रूल रीस्टोर किया। ये रॉ द्वारा कैरी आउट किए गए कुछ इंपॉर्टेंट डीक्लासिफाइड ऑपरेशंस थे। लेकिन रॉ की वर्किंग स्टाइल में सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस थे स्नैच ऑपरेशंस, यानी किसी सस्पेक्ट को पकड़कर इंटरोगेशन के लिए भारत लेकर आना। रॉ ने नेपाल, बांग्लादेश और दूसरे देशों में बहुत सारे सक्सेसफुल स्नैच ऑपरेशंस किए हैं। उदाहरण के लिए भूपिंदर सिंह ऑफ द खालिस्तान कमांडो फोर्स, लश्कर मिलिटेंट्स तारिक महमूद और अब्दुल करीम टुंडा, इंडियन मुजाहिदीन का फाउंडर लीडर यसिन भटकाल और 26/11 मुंबई टेरर अटैक्स का हैंडलर शेख अब्दुल ख्वाजा। लेकिन रॉ द्वारा किए जाने वाली स्नैच ऑपरेशंस अब एनकाउंटर ऑपरेशंस में बदल चुके हैं। इन्हें पकड़ के इंटरोगेशन के बजाय रॉ ने अब इन्हें खत्म करना शुरू कर दिया है। पर ये ट्रांजिशन कब और कैसे हुई? रॉ के इस ट्रांजिशन की शुरुआत हुई 2022 में। पहला टारगेट था जहूर मिस्त्री। काठमांडू से भारत आने वाली इंडियन एयरलाइंस के जिस IC-814 प्लेन को हाईजैक करके अफगानिस्तान के कांधार ले जाया गया था, उन हाईजैकर्स में जहूर मिस्त्री भी शामिल था। मार्च 2022 में दो अननोन बाइकर्स ने कराची में जहूर मिस्त्री को गोली मार दी। सेकंड टारगेट रिपुदमन सिंह मलिक। 23 जून 1985 को कनाडा से लंदन को जा रही एयर इंडिया के एक फ्लाइट को बॉम्ब से उड़ा दिया गया था। इस हमले में सभी 329 पैसेंजर्स की मौत हो गई थी। इस बॉम्बिंग के पीछे तलविंदर सिंह परमार नाम का एक मास्टरमाइंड था, जिसमें उसके साथ एक क्लोज एसोसिएट रिपुदमन सिंह मलिक भी शामिल था। रिपुदमन मलिक बब्बर खालसा टेररिस्ट आउटफिट से भी संबंध रखता था। जुलाई 2022 में यूनाइटेड किंगडम के सरे में रिपुदमन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। थर्ड टारगेट हरविंदर सिंह संधु। 2021 में मोहाली में स्थित पंजाब पुलिस हेडक्वार्टर पर एक RPG अटैक को एग्जीक्यूट किया गया। इस RPG अटैक के लिए हरविंदर सिंह संधु रिस्पॉन्सिबल था। नवंबर 2022 में पाकिस्तान में हरविंदर ड्रग ओवरडोज से मरा पाया गया। फोर्थ टारगेट बशीर अहमद पीर। हिजबुल मुजाहिदीन कमांडर बशीर अहमद पीर को फरवरी 2023 में रावलपिंडी में गोली मार दी गई। फिफ्थ टारगेट सैयद खालिद रजा। अल बदर के कमांडर सैयद खालिद रजा को फरवरी 2023 में कराची में उसके घर के बाहर गोली मार दी गई। सबसे खास बात यह है कि इन सभी रिसेंट किलिंग ऑपरेशंस में मॉडस ऑपरेंडी एकदम सिमिलर है,
यानी जिस प्रकार से मोसाद अपने दुश्मनों को सीक्रेटली मौत की घाट उतारती है, उसी प्रकार से रॉ भी अपने दुश्मनों को मार रही है। यही मॉडस ऑपरेंडी रिसेंटली कई सारे खालिस्तानी लीडर्स के खिलाफ भी इस्तेमाल की गई है। जैसे कि इसी लिस्ट में 6 टारगेट है परमजीत सिंह पंजवार। मई 2023 में खालिस्तान कमांडो फोर्स के लीडर परमजीत सिंह की लाहौर में बाइक पर सवार दो अननोन लोगों ने दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। परमजीत सिंह लाहौर की सनफ्लावर सोसाइटी में रहता था और मॉर्निंग वॉक पर निकला था। आज तक उसे मारने वाले दोनों शूटर्स के बारे में कोई भी एजेंसी जानकारी इकट्ठा नहीं कर पाई है और उसके सपोर्टर्स का कहना है कि इसमें भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ का हाथ है। इस लिस्ट का 7th टारगेट है हरदीप सिंह निज्जर। 18th जून 2023 को खालिस्तान टाइगर फोर्स का लीडर हरदीप सिंह निज्जर कनाडा के सरे में एक गुरुद्वारा की पार्किंग में था। वहां से वो अपने घर लौट रहा था जब उसे गोलियों से छलनी कर दिया गया। कनाडा के विश्व सिख संगठन ने हरदीप सिंह की डेथ में इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी पर आरोप लगाया। सिख संगठन ने यह भी कहा कि हरदीप सिंह निज्जर को पहले से ही डर था कि इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी उसे अपना निशाना बनाने वाली है और उसका डर एकदम सही साबित हुआ। 8th टारगेट अवतार सिंह खांडा। जून 2023 में ही खालिस्तान लीडर अमृतपाल सिंह के एक हैंडलर अवतार सिंह खांडा की भी डेथ हो गई है। अवतार सिंह खांडा टर्मिनल कैंसर से डायग्नोज हुआ था और ब्रिटेन के हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा था, लेकिन ट्रीटमेंट के दौरान ही मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में उसकी डेथ हो गई। सबसे दिलचस्प बात यह है कि उसकी मौत का कारण पॉइजनिंग को बताया जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, 20 से ज्यादा खालिस्तानी टेररिस्ट को ढूंढा जा रहा है और ये सभी अंडरग्राउंड हो गए हैं। अर्शदीप सिंह AKA अर्शदाला, गगनदीप सिंह, गोल्डी ब्रार, गुरपिंदर सिंह, सतवीर सिंह, चरणजीत सिंह और रमनदीप सिंह जैसे टेररिस्ट के खिलाफ लुकआउट नोटिसेस जारी कर दिए गए हैं। ये सभी टेररिस्ट कनाडा, US, ऑस्ट्रेलिया, UK और ग्रीस जैसी कंट्रीज में छुपे हुए हैं, क्योंकि इन्हें भी अपनी मौत का डर सता रहा है और शायद इनका डर जल्दी सही साबित हो सकता है। रॉ भारत की नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक क्रिटिकल पिलर बनकर खड़ा रहा है। रॉ ने टाइम के साथ अपने आप को इवॉल्व किया है और साथ ही कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करके, थ्रेट्स को काउंटर करके और पॉलिसी मेकर्स को क्रूशियल इनपुट्स देकर अपने आप को प्रूव भी किया है। टेररिज्म, साइबर थ्रेट्स और जियोपॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटीज जैसे इमर्जिंग चैलेंजेस के लिए भी एजेंसी ने खुद को अडाप्ट किया है। लेकिन अब जिस तरह से रॉ ने अपने वर्किंग स्टाइल को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया है, उसे देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि रॉ अब एक एग्रेसिव अप्रोच वाली एजेंसी बनने की ओर अग्रसर है। जाहिर तौर पर इस अप्रोच के कई सारे फायदे हैं, क्योंकि इससे रैपिड रिस्पॉन्स और थ्रेट्स को प्रिवेंट करने जैसे काम तेजी के साथ किए जा सकते हैं। लेकिन इस अप्रोच के डिसएडवांटेजेस भी एग्जिस्ट करते हैं। उदाहरण के लिए, इस अप्रोच के चलते एजेंसी को एक्सटेंसिव सर्विलेंस में एंगेज होना पड़ता है, जो कई बार प्रिवेसी का इन्वेजन भी बन सकता है। साथ ही पावर बढ़ने पर एब्यूज और करप्शन की संभावनाएं भी बढ़ती हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस पर भी असर पड़ सकता है और इंटरनेशनल कोऑपरेशन में भी कमी आ सकती है। और इन सब रीजंस की वजह से रॉ कंट्रोवर्सीज ऑफ चैलेंजेस से भी घिरा रहेगा। इसलिए ये जरूरी है कि एग्रेसिव और डिफरेंशियल अप्रोच के बीच एक स्ट्राइकिंग बैलेंस को मेंटेन किया जाए। ये बात भी तय है कि आने वाले समय में जैसे दुनिया और भी इंटरकनेक्टेड होगी, वैसे ही रॉ का रोल और अधिक बढ़ता जाएगा और अडेप्टेशन, इनोवेशन और कोलैबोरेशन बढ़ने के साथ साथ ग्लोबल स्टेज पर इंडिया की पोजीशन को शेप करने में ये इंटेलिजेंस एजेंसी बेहद इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाली है। और इसी उम्मीद के साथ आज के वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। इस पूरे मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करिएगा। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस में दिखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। द क्वेश्चन इज, डिस्कस द रोल ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इन काउंटरिंग फ्यूचर सिक्योरिटी चैलेंजेस। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।